डेढ़ महीने से बहुत परेशान थी। एलोपैथ का इलाज करवाया था दिल्ली में, अनेकों डॉक्टरों को दिखाने के बाद सब ने इसको स्किन ग्राफ्टिंग के लिए बोल दिया था, पर निराश होकर मैं यहाँ पर आई। आयुर्वेद पे भरोसा था और हिमांशु जी ने इसका इलाज करा। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमामि हम हे मम सौहाद्र हे आर्यवर्त राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों नौजवान साथियों मेरे बड़ों मेरे गुरुजनों आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरा वंदन है। आज आपके समक्ष में एक ऐसा रोगी लेकर के आया हूँ जिनको पैर में एक घाव बना मच्छर के काटने से या किसी भी जीवाणु के काटने से कीटाणु के काटने से, ऐसा घाव जो कि गेहूं के दाने से और बढ़ता बढ़ता जामुन के गुठली के दो गुठलियां यदि मिला दी जाए इस प्रकार से इतना बराबर एक घाव बन जाता है। वो सर्जन के पास भी जाते हैं, डिब्राइडमेंट का 3 बार प्रोसेस उन्होंने करवाया। कहेंगे कि रोगी खुद अपने मुख से आपको बताए कि कैसा इनको नाड़ी वैद्य कायाकल्प में ये उपचार लगा और कितना सफल हम इनके उपचार को कर पाए और उसको घाव को भर पाए, इन्हीं से हम सुनना चाहेंगे, बताइए। पहले तो मैं वैद्य साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, थैंकफुल हूँ। मैं 1.5 महीने से बहुत परेशान थी, एलोपैथ का इलाज करवाया था दिल्ली में, अनेकों डॉक्टरों को दिखाने के बाद सब ने इसको स्किन ग्राफ्टिंग के लिए बोल दिया था, पर निराश होकर मैं यहाँ पर आई। आयुर्वेद पे भरोसा था और हिमांशु जी ने इसका इलाज करा, लीक चिकित्सा करी, उसके बाद ये 1 महीने के अंदर घाव भरता चला आया। नहीं तो एलोपैथ वालों ने तो इसकी सर्जरी बता दी थी जिसमें बहुत दर्द करके वो इसका इलाज करते, बार बार इसका डिप्राइवमेंट और स्किन ग्राफ्टिंग करते। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनका कि मेरा 1 महीने में आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ इसका इलाज करा और ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ और इनकी थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा। एक चीज और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस चिकित्सा के दौरान किसी भी एंटीबायोटिक का, किसी भी ऐसी एलोपैथिक ट्यूब का जो घाव भरने में सहायता हमारी करती हो, किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया। केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा और लेप के द्वारा हमने इस घाव को भरने का इसको किया और इसमें लीच थेरेपी के द्वारा हमने खून को, रक्त की जो दुष्टि थी, पित्त की जो दुष्टि घाव को भरने नहीं दे रही थी, एक हमारे शास्त्रीय मत के अनुसार जब पित्त एक स्थान विशेष में कफ का एक अनुसरण कर लेता है तो वह घाव को भरने नहीं देता, ऐसे में लीच थेरेपी के साथ हमने घाव को एक नए रक्त का निर्माण वहां पर करवाया लीच से। और शमन चिकित्सा में जो रसायन हमारे शास्त्रों में आता है, रसात रक्तम ततो मांस मांसान मेदस्तो अस्थि च अस्थिनो मज्जा ततो शुक्रम शुक्राद गर्भम प्रजायते, कि जब खाना आप खाते हैं तो वह रस से रक्त का, रक्त से मांस का, मांस से मेद अस्थि मज्जा शुक्र का निर्माण करता है। उसी शास्त्रीय चिकित्सा के अनुसार रसायन चिकित्सा गंधक रसायन का जो हमारे संस्थान में बनता है उसका हमने प्रयोग करवाया और हमारे रोगी को एक बार ऐसा लगा, किसी द्वारा बताया गया कि आप एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल कीजिए, तो उनका मुझे ऐसा फोन आया कि और उन्होंने बताया कि एंटीबायोटिक का क्या इस्तेमाल कर लिया जाए। मैं बोला बिल्कुल भी नहीं करना, आप एक बारी एक चित मन से आप औषधियों का सेवन कीजिए और दिन प्रतिदिन जो उसमें रिएक्शंस या जो घाव भरने की जो क्रिया थी वह मुझे फोटो के माध्यम से मिली और 1 महीना और आज 10 दिन मतलब केवल 40 दिन के अंदर अंदर हमने उस जो अनहीलिंग वाउंड जो बन रहा था हमने उसको बिल्कुल भर दिया है। और टीवी स्क्रीन पे आप रोजाना किस दिन कितनी हीलिंग का प्रोसेस रहा और आज क्या है वो आप स्क्रीन पे रोजाना किस प्रकार से घाव भरता हुआ जा रहा है और कैसी प्रक्रिया उसमें घट रही है जो कि उस घाव को भरने में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, दिनों के क्रमांक के अनुसार मैं आपको यह दिखा रहा हूं और उन हताश रोगियों को यह दिखाना चाहता हूं कि जो लोग इस रोग से पीड़ित हैं या जिनके घाव नहीं भर रहे वो एक बार ज़रूर आयुर्वेद की चिकित्सा का सेवन कीजिए। निश्चित रूप से यदि आप संयम के साथ सेवन करते हैं तो आप अपने रोग से अपने आप को मुक्ति दिला सकते हैं, हमारे साथ देख सकते हैं। और इस प्रकार से मैं भी कहना सभी को कहना चाहूँगा कि आप भी आयुर्वेद अपनाइए, एक बारी विश्वास कीजिए और आखिरी में जो रोगी हमारे
इस संस्थान के बारे में, आयुर्वेद की चिकित्सा के बारे में कुछ दो शब्द कहना चाहें तो हम जरूर चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी इस बारे में सुने। नाड़ी वैद्य कायकल के अंदर ये वैद्य हिमांशु जी, इनने इतना अच्छा इलाज किया, जब भी मैंने फोन करा मेरे फोन को भी रिसीव करके मुझे प्रॉपर गाइडेंस दी और कभी भी इग्नोरेंस में नहीं डाला, कभी मैसेज किया तो मैसेज के थ्रू इन्होंने बताया, जो भी मुझे प्रॉब्लम थी मैं इनको लिख के मैसेज किया करती और बहुत ही कोऑपरेटिव तरीके से इन्होंने मेरा इलाज करा और महीने भर में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। पहले मैं निराश थी और बार बार इन्हें भी कहती थी मैं ठीक भी हो पाऊंगी या नहीं, पर ये बार बार विश्वास दिलाते थे, दिलासा देते थे कि ये थोड़ा सा विश्वास करो, 10 दिन 15 दिन इतना रुको और महीने के अंदर अंदर ये बिल्कुल ठीक हो गया। बिना इवन हमने इसको साफ सिप्रिट से भी नहीं करा, आयुर्वेद का एक क्वाथ होता है उसी से इसको हम क्लीन करते थे और लेप लगाते थे। और लास्टली मैं सबका ही थैंक्स करना चाहूंगी, नाड़ी वैद्य कायकल के सारे स्टाफ और वैद्य हिमांशु जी, हाथ जोड़ के नमस्कार और धन्यवाद। जानते हैं और सत्य प्रकाश आर्य वो भी बार बार चैनलों पे बोलते हैं कि रोग पुराना हो कोई या हो व्याधि गंभीर, इसी रसायन से मिले सुंदर स्वस्थ शरीर। यदि आप इस रसायन को एक सही भावना के साथ खाते हैं और सेवन करते हैं तो क्यों नहीं, मैं कहता हूँ क्यों नहीं, यह आपके रोग को खत्म करता है और नई कांति का आपके शरीर में विस्तार करता है।